अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बता रही थी कि फॉस्फेट फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया कि ये फ्रुक्टोज डाइट से या फ्रुक्टोज की हमने फॉस्फोरिलेशन करा दी, फर्स्ट पे जाके फ्रुक्टोज लग गया, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया, यहाँ पे अल्डोज बी एट गया तो ये कन्वर्ट हो गया डाई एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसराइड में, ग्लिसराइड की हमने फॉस्फोरिलेशन कराई, काइनेज एक्ट किया और कन्वर्ट हो गया ग्लिसराइड फॉस्फेट में, ग्लिसराइड की फॉस्फेट की या तो ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है, ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू ये सक्सेसिव रिएक्शन के बाद टू फॉस्फोग्लिसराइड एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में और फिर ओफाइडेसिस एंजाइम में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद ग्लिसराइड फॉस्फेट पे एक्ट करेगा एल्डोज ए और बी, ठीक है, तो ये डायहाइड्रोक्साइड स्टोन फॉस्फेट के साथ मिलकर बना देता है फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। इसके अलावा इस पर अगर आइसोमर एक्ट करेगा तो ये डायहाइड्रोक्साइड स्टोन फॉस्फेट भी बना सकता है, और ये जो डायहाइड्रोक्साइड स्टोन फॉस्फेट है ना ये फैटी एस्टरीफिकेशन मतलब इसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसराइड्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके बाद ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे, ये वही रेगुलेटरी रिएक्शन की तरह ही है जैसे ग्लूकोज का रेगुलेटरी रिएक्शन होता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब हमने 1 फॉस्फेट उतारना है तो फॉस्फेट उतारने के लिए फॉस्फेटेज यूज़ करते हैं, तो एंजाइम लग जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेटेज, ठीक है, इसका नाम और इसके साथ फॉस्फेटेज। इसके अलावा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की अगर 1 फॉस्फेट निकालना है तो इसका मतलब है कि इसके साथ हम काइनेज ऐड करेगा तो फॉस्फेट लग जाएगा 6 पर, ठीक है। अभी फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट लगा तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में पे अब आइसोमर रिजेक्ट करेगा तो ये फ्रुक्टोज का आइसोमर क्या होता है ग्लूकोज, तो यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमर एक्ट करेगा, ये थर्ड स्टेप है उसका ग्लाइकोलाइसिस का, वैसे ये रिवर्सल है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमर एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो आगे से जब ये दोबारा टूटेगा तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो डी ग्लूकोज है ना, अब जो हमारे पास फ्रुक्टोज आया था, सॉरी ग्लूकोज कह रही हूँ, फ्रुक्टोज आया था ना डाइट से, उसकी यहाँ 3 चीज़ें होनी है उसके ऊपर, या तो हमने उसकी फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट की है, ठीक है, और वो उसकी फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट फॉस्फेट पे हो गई है, ठीक है, या उसकी फॉस्फोरिल 6 फॉस्फेट पे भी लग सकता है, ठीक है, डायरेक्ट अगर हम इसकी 3 बातें करें ना, तो अगर इसकी फॉस्फोरिलेशन हम फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करेगा तो फर्स्ट फॉस्फेट पे पहले भी फॉस्फेट लग जाएगा, पहले कार्बन पे, हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा तो 6 पे लग जाएगा, ठीक है, 6 फॉस्फेट पे, 6 पे फॉस्फेट लग जाएगा। इसके अलावा अगर इस 6 ये डी फ्रुक्टोज है ना, ये कन्वर्ट हो सकता है डी सॉर्बिटॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, डी सॉर्बिटॉल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज, डी फ्रुक्टोज और डी सॉर्बिटॉल में सिर्फ 2 हाइड्रोजन का फर्क है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है, सॉर्बिटॉल में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, हम फ्रुक्टोज में अगर 2 हाइड्रोजन डाल दें तो वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम एक्ट करेगा, और अगर हम निकाल दें तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में। अब ये जो सॉर्बिटॉल है यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा रिडक्टेज नाम से जाहिर है कि इसकी रिडक्शन होनी है हाइड्रोजन, एल्डोज रिडक्टेज एक्ट करेगा, और यहाँ पे ये वाला जो एंजाइम का नाम है ना ये उसी के नेम पे है, ये सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज ये इस प्रोडक्ट के एक्शन के नेम पे है, अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो उसका रिएक्टर बन जाएगा, और इसी तरह ये जो एल्डोज रिडक्टेज है ना ये भी इस
ग्लूकोज के नेम पे है। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, और ग्लूकोज की अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो ये सोर्बिटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसके नेम पे है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होती हुई है जिसको सेम एंजाइम दोनों तरफ कर सकता है, और इरिवर्सिबल वो होते हैं जो हमें दोनों साइड्स डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए हों करने के लिए, रिवर्सल करने के लिए। अब डी ऑर्बिटॉल पे कन्वर्ट, हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, दो हाइड्रोजन हमने पहले लिए थे उससे, ठीक है, हमने पहले फ्रुक्टोज में दो हाइड्रोजन डाले, वो ऑर्बिटॉल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसकी हमने दो हाइड्रोजन पहले NADH आया था, ठीक है, पहले NADH आया था, उसने हाइड्रोजन दिए, वो सोर्बिटॉल में कन्वर्ट हो गया। सोर्बिटॉल के पास NADP आएगा और दो हाइड्रोजन रिमूव करा लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। अभी ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन, उस पर ग्लूकोकाइनोज और हेक्सोकाइनोज या हेक्सोकाइनोज एक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन से हम फ्रुक्टोज भी बना सकते हैं, ये तो हमने फ्रुक्टोज से बनाया ना ग्लाइकोजन, हर तरह से ग्लाइकोजन ही बना, ग्लूकोज ये स्टोर कर लिया, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म है ना। इसके अलावा बाद में हमें ज़रूरत होगी तो ग्लाइकोजन को फॉस्फेट फ्रुक्टोज में तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज का मतलब है फॉस्फेट उतारना है, तो 6 से फॉस्फेट उतार देंगे, ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। डी ग्लूकोज पे एक्ट करेगा एल्डोज रिडक्टेज, इस रिडक्शन मैंने कहा इसके नेम पे लिखा हुआ है तो इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है, NADPH आएंगे और दो हाइड्रोजन दे देंगे तो सॉर्बिटॉल कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, दो हाइड्रोजन दे देंगे और सॉर्बिटॉल कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर जो जो दो हाइड्रोजन दिए थे वो रिमूव हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज में, ठीक है। इसी तरह ये जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन ये तो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ये जो ग्लाइकोजन है ना ये कन्वर्ट हो, इसको हम फैटी एसिड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में भी लेकर जा सकते हैं। वो कैसे? ग्लाइकोजन से कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे आइसोमेराइज एक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट किया फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एक हम, ठीक है, फर्स्ट पे भी हमने फॉस्फेट लगा दिया तो ये बन गया 1-6 बेस फॉस्फेट। ये मतलब ग्लाइकोलाइसिस चल रही है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस ही है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1-6 बेस फॉस्फेट बन गया, वो टूटे तो डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, और वो आगे पाइरूवेट और फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो गया। ये तो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है, और ये फैटी एसिड स्टेरिफिकेशन मतलब ट्राई साइलेंस रोज के सिंथेसिस के लिए।